बच्चों, आज की कहानी का नाम है सच्चे साथी। एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वह अपने घर का काम करती, फिर कॉलेज जाती थी। और कॉलेज जाते समय वह रोज रास्ते में एक जगह पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी दो पक्षी थे, उनको भी वह रोज दाना डालती थी। एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालते जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी राधा से करा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजरे के दो पक्षी भी लेकर ससुराल आ गई। वह उन पक्षियों को रोज दाना डालती थी, लेकिन राधा की सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उन पक्षियों को परेशान करती थी, वह उनका दाना पानी जमीन में फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया और उन्हें यह करते हुए राधा ने देख लिया। जब राधा ने इसके लिए मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डांट दिया। इन सब बातों से राधा परेशान रहने लगी। एक दिन राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। अपने पति के कहने पर राधा ने उन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में ही छोड़ दिया। वह उनको कभी कभी दाना देने जाती थी। अब पक्षी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे। पक्षी अब राधा के घर भी आने लगे थे। राधा की सास को जब इस बात का पता लगा तो वह बहुत गुस्सा हुई। वह राधा को उसके घर छोड़ने उसके साथ गई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी राधा के पक्षियों ने आकर चोरों पर हमला कर दिया, जिससे चोर डरकर भाग गए। इसके बाद राधा और सास घर ही लौट आए। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उन्होंने राधा से कहा, अब हम दोनों चिड़ियों को दाना देने चला करेंगे और पहले के दो पक्षियों को भी घर वापस ले आएंगे। यह बात सुनकर राधा बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके सच्चे साथी जो वापस आ रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे जरूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।